लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स, ये आपका चैप्टर है। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें एक वर्ड इक्वेशन के बारे में जान लेना चाहिए। क्या होता है इक्वेशन? द वर्ड इक्वेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड इक्वालिटी। द वर्ड इक्वेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड इक्वालिटी मीन्स इक्वल टू। अगर किसी वेरिएबल और कॉन्स्टेंट टर्म के बीच का ऐसा कोई रिलेशन जो इक्वल टू साइन के साथ डिफाइन किया जाए उसे इक्वेशन कहते हैं। वेरिएबल और कॉन्स्टेंट टर्म के बीच का ऐसा कोई रिलेशन जो इक्वल टू साइन के साथ डिफाइन किया जाए वह इक्वेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिख लिया 2x + 3, इक्वल टू इसमें कहीं नहीं है, इसे इक्वेशन नहीं कहा। लेकिन अगर मैंने लिख दिया इक्वल टू 5, अब यह इक्वेशन। अगर मैंने यहां लिखा 3x + 5 और कुछ नहीं लिखा तो यह इक्वेशन नहीं है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया इक्वल टू 0, अब यह इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इक्वल टू का, इन अदर वर्ड्स वी कैन से रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर इक्वेशन इक्वल टू का साइन होना ही चाहिए। लेकिन अगर एज्यूम करें कि 2x + 3 केवल मैंने लिखा है, इसमें कहीं भी इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसे पॉलिनोमियल कहा जाए। तो इक्वेशन और पॉलिनोमियल एक छोटा सा डिफरेंस आपको यह मिला कि जब इक्वल टू साइन यूज होता है वेरिएबल और कॉन्स्टेंट टर्म के बीच में तो हम उसे इक्वेशन कह देते हैं, और अगर कहीं भी इक्वल टू का साइन नहीं यूज होता है तो उसे पॉलिनोमियल। अब क्योंकि एक्स वेरिएबल का पॉलिनोमियल है तो इसे अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं px = ये पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल। हम बात करते हैं इक्वेशन की, पॉलिनोमियल आपका दूसरा चैप्टर है, हम उस पे उसका डिटेल्स। अभी हम बात करते हैं इक्वेशन। मान लो किसी एक क्वेश्चन में 2x + 3 = 5 लिख दिया, इक्वल टू साइन है इक्वेशन, अच्छी बात है। लेकिन जब इक्वल टू साइन हुआ तो ये दो साइड्स को कवर कर, एक लेफ्ट पोर्शन को और दूसरा राइट पोर्शन। लेफ्ट पोर्शन को हम कहते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट साइड को कहते हैं RHS, राइट हैंड साइड। इसकी मीनिंग इक्वेशन वर्ड जहां एग्जिस्ट होता है उसमें ये दो वर्ड्स भी एग्जिस्ट होते हैं। कौन कौन से? एक LHS और दूसरा RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। नॉर्मल केस में तो इक्वेशन के बहुत सारे प्रॉपर्टीज आपको सुनने को मिलेंगे, लेकिन अभी हम तुरंत के लिए 3 को देख लेते हैं इसके बेस पर हम आगे स्टेटमेंट। पहला, अगर आपने कोई भी एक इक्वेशन लिखा है 2x + 3 = 5, LHS RHS में एग्जिस्ट करता है, बोथ साइड्स आप किसी भी वैल्यू को एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। बोथ साइड्स आप किसी भी वैल्यू से एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, इक्वेशन पर कोई फर्क। फॉर एग्जाम्पल, यहां मैंने लिख दिया √3, RHS में कर दिया √3, कोई फर्क नहीं पड़ता। LHS कर दिया हमने ÷7, RHS में भी कर दिया ÷7, फर्क नहीं पड़ता। LHS में हमने कर दिया +4, RHS में भी हमने कर दिया +4, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप कर सकते हैं, फ्री हैं बोथ साइड्स, लेकिन इक्वल वैल्यू से। सेकेंड प्रॉपर्टी, LHS से RHS या RHS से LHS में अगर आप किसी वैल्यू को ले जाना चाहते हैं और वह वैल्यू दूसरी वैल्यू के साथ एडिशन साइन के साथ होगा तो साइड चेंज होगा तो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन साइन के साथ होगा तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ होगा तो डिवीजन, डिवीजन फॉर्म में होगा तो। फॉर एग्जाम्पल, मान लें लिखा हुआ है x + 2 = 5, तो x = 2। अब इस 2 को आप ले जाना चाहते हैं, 2 को कहां ले जाना चाहते हैं? RHS में ले जाना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा 5 - 2 = 3, क्योंकि LHS से RHS में पॉजिटिव साइन के साथ आप ले गए तो नेगेटिव हो जाएगा। मान लें एक दूसरे एग्जांपल में x - 3 = 7 है, -3 है, RHS में अगर आप ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 7 + 3। अगर वैल्यू 2x = 10 है, अब 2x के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, जब उस साइड में जाएगा तो ये डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। और अगर डिवीजन फॉर्म में है, मान ले लिखा हुआ है x / 3 = 5, तो ये उस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, साइन चेंज हो जाएगा, एडिशन का सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन, डिवीजन।
थर्ड, किसी भी इक्वेशन में जितने वेरिएबल्स होते हैं, जितने अननोन वैल्यूज होते हैं, उतने इक्वेशंस होने ही चाहिए उन वैल्यूज को फाइंड करना। क्या कहा मैंने, एक बार फिर समझे, किसी भी एक इक्वेशन में जितने वेरिएबल्स या जितने अननोन वैल्यूज दिए जाएंगे उतने इक्वेशंस होने चाहिए उनकी वैल्यूज फाइंड करने के, अदरवाइज कैलकुलेट नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह दूं एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेवन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेवन, इस इक्वेशन में दो अननोन वैल्यूज हैं, एक एक्स है दूसरा। इस इक्वेशन से एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमारे पास एक और इक्वेशन होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने कहा दो अननोन वैल्यूज दो इक्वेशन, अदरवाइज हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। अगर किसी एग्जाम्पल में यह लिख दिया गया एक्स प्लस थ्री वाई प्लस जेड इक्व टू फाइव, हम इसे फाइंड कर सकते हैं? नहीं फाइंड कर सकते। क्यों? क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करने के लिए थ्री वैल्यूज होने ही चाहिए, नहीं तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। और अगर सिंगल वेरिएबल है, सिंगल अननोन वैल्यू है, तो इक्वेशन हमें चाहिए, हम तो करेंगे कि जो सेकेंड प्रॉपर्टी है ये सभी सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल डायरेक्ट प्रॉपर्टी से। तो ये थ्री प्रॉपर्टीज आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पर हम आगे के स्टेटमेंट को डिफाइन। आगे बढ़ते हैं, इक्वेशंस के थ्री टाइप्स डिफाइन किए जाते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्वेशन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन। क्या होते हैं ये समझते हैं। लीनियर इक्वेशंस, वेरिएबल्स कितने भी दिए जाएं, उन सभी वेरिएबल्स पर पावर वन हो, लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल्स कितने भी दिए जाएं लेकिन सभी वेरिएबल पर पावर वन, से लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। यहाँ एक छोटा सा डेफिनेशन मैं लिख दे रहा हूँ, वन और मोर देन वन वेरिएबल विद डिग्री वन, डिग्री या पावर से मिले, इसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। मीनिंग है सिंगल वेरिएबल दिया जाए या जितने भी वेरिएबल्स दिया जाए, सभी वेरिएबल्स पर पावर वन से लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक क्या होता है, वेरिएबल एक और उस पर पावर टू, उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं। वेरिएबल एक, पावर टू, उसे क्वाड्रेटिक। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं वन वेरिएबल विद डिग्री टू, और थर्ड वेरिएबल एक, थर्ड मीनिंग क्यूबिक, वेरिएबल एक उस वेरिएबल पर पावर थ्री, क्यूबिक इक्वेशन। वन वेरिएबल विद डिग्री थ्री, डिग्री मीन्स पावर, अब इक्वेशन वर्ड तो आप जानते ही हैं, इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होना ही चाहिए, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कहीं भी हो, इक्वेशन वर्ड अगर लग गया तो इक्वल टू होगा ही हो। एक स्टेटमेंट आप और यहां समझ लें, उसके बाद इसे मैं आगे कंटिन्यू करूं। जिस वेरिएबल पर जितने पावर्स होते हैं उस वेरिएबल की उतनी ही वैल्यूज कैलकुलेट, फिर सुने, जिस वेरिएबल पर जितने पावर्स होते हैं, जितनी डिग्री होती है, उस वेरिएबल की उतनी ही वैल्यूज कैलकुलेट की जा सकती है। तो अब अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करें तो लीनियर इक्वेशन के लिए क्या लिखा गया है स्टेटमेंट, वन वेरिएबल हो या जितने भी वेरिएबल्स हो, सभी वेरिएबल पर पावर वन। इसकी मीनिंग लीनियर इक्वेशंस कितने भी अननोन वैल्यूज के साथ दिया जाए तभी की केवल एक एक वैल्यू ही कैलकुलेट की जा सकती है। और क्वांटिटी क्या हुआ, वेरिएबल वन पावर टू, इसकी मीनिंग उस एक वेरिएबल के दो वैल्यूज का। क्वांटिटी क्या हुआ, वेरिएबल एक पावर टू, मीनिंग उस वेरिएबल की दो वैल्यूज का। क्यूबिक, उस वेरिएबल की थ्री वैल्यूज का।
तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस वेरिएबल पर जितने पावर्स होते हैं उस वेरिएबल की उतनी ही वैल्यूज का। लीनियर इक्वेशंस के थ्री टाइप्स डिफाइन किए जाते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर, सिंगल अननोन, क्योंकि हम लीनियर को ही तो डिफाइन कर रहे हैं, सिंगल अननोन, टू अननोन्स, थ्री अननोन्स। लीनियर इक्वेशंस के थ्री टाइप्स डिफाइन किए जाते हैं, सिंगल अननोन, टू अननोन्स, थ्री अननोन्स। सिंगल अननोन की मीनिंग क्या, सिंगल अननोन की मीनिंग जिस वेरिएबल पर पावर तो एक ही होगा, यह तो अंडरस्टूड है, ऐसा कोई इक्वेशन जिसमें केवल एक ही अननोन में एक ही वेरिएबल फाइंड कर उसे हम लीनियर इक्वेशंस के सिंगल अननोन। फॉर एग्जांपल, अगर हमसे कह दिया गया x प्लस टू इक्वल टू फाइव, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दिस इज लीनियर इक्वेशंस फॉर सिंगल अननोन। क्यों, लीनियर इक्वेशन तो है ही, लीनियर इक्वेशन क्यों, क्योंकि एक ही वेरिएबल पर पावर एक है। सिंगल अननोन क्यों, क्योंकि एक ही वेरिएबल। टू अननोन्स क्या होते, इन्हें सॉल्व करने का तरीका मैं अभी बताऊंगा, उससे पहले हम सभी को डिफाइन कर दें इक्वेशंस, तब हम सॉल्व करने का सीखते। टू अननोन्स, ऐसा कोई लीनियर इक्वेशन, अब लीनियर इक्वेशन अंडरस्टूड है सारे पर पावर्स वन हो, जिसमें वेरिएबल्स दो दिए जाए उसे टू अननोन्स में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू फाइव, ये टू अननोन्स। थ्री अननोन्स, एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू एट। अब और अच्छी तरह से देखें, लीनियर इक्वेशंस के सिंगल अननोन पर बेस्ड जितने क्वेश्चंस बनेंगे, बस सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी के बेस पर कर, कौन सी प्रॉपर्टी जो अभी इसके जस्ट पहले मैंने आपको बताया है, ये एल एच एस से आर एच एस, आर एच एस से एल एच एस, ये जो यूज किए जाते हैं, ये जो प्रॉपर्टीज बने। जैसे x प्लस टू इक्व टू फाइव, तो x इक्व टू क्या होगा, फाइव माइनस टू दैट इज थ्री। दूसरा क्वेश्चन अगर हम यहां क्रिएट करें, x माइनस थ्री इक्व टू एट, तो x इक्व टू माइनस थ्री इधर हो जाएगा, एट प्लस थ्री इलेवन हो जाएगा। क्या मैं कह दूं टू एक्स इक्व टू एट, तो x इक्व टू क्या होगा, फोर। क्या मैं कह दूं x डिवाइडेड बाई फोर इक्व टू थ्री, तो एक्स इक्व टू ट्वेल्व। मीनिंग ये, लीनियर इक्वेशंस के सिंगल अननोन पर बेस्ड जितने क्वेश्चंस बनते हैं, बस सारे क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज के बेस पर कैलकुलेट किए जाते हैं, इसके लिए किसी मेथड की जरूरत नहीं। प्रॉपर्टी क्या है, एल एच एस से आर एच एस, आर एच एस एल एच एस, जाने पर साइन चेंज। साइन चेंज की मीनिंग, पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव, मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन, डिवीजन का। हम आते हैं टू, जैसा आपको बताया गया अभी कि टू अननोन्स वैल्यूज फाइंड करने के लिए टू इक्वेशंस होने ही चाहिए। अभी मैंने यही कहा था कि जितने अननोन वैल्यूज उतने इक्वेशंस होने। अब क्योंकि यहां टू अननोन वैल्यूज हैं, तो टू इक्वेशंस होने ही चाहिए। मान लिया हमने दूसरा इक्वेशन ये है, ये टू अननोन, इसे सॉल्व करने के लिए थ्री मेथड्स यूज किए जाते हैं। कौन कौन से, पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, आई नहीं है इसको हटा दें, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड आता है इलिमिनेशन मेथड, और थर्ड आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टी, अंडरस्टूड है थ्री अननोन्स हैं, तो थ्री इक्वेशंस होने ही चाहिए। अब थ्री इक्वेशंस मान लो आपको दे दिए गए, एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू एट पहला है, दूसरा दे दिया गया टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस जेड इक्वल टू सेवन, और थ्री एक्स प्लस वाई माइनस फोर जेड इक्वल। लेकिन थ्री अननोन्स पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आपके सिलेबस, इसे हम अभी पढ़ेंगे। हम आते हैं
क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं क्या होता है। क्वाड्रेटिक के लिए मैंने क्या कहा, क्वाड्रेटिक के लिए मैंने ये कहा कि वेरिएबल एक होना चाहिए और उस वेरिएबल पर पावर टू होना। अब मान ले कोई एक क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू, क्या ये क्वाड्रेटिक नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इक्वस टू नहीं है जी, इक्वस टू नहीं है। अगर हमने इक्वस टू लगा दिया अब ये क्वाड्रेटिक हुआ। पहले तो इक्वेशन बताएं ना, इक्वेशन है, अब चेक करें इक्वेशन में क्या क्वाड्रेटिक है। क्यों क्वाड्रेटिक है? क्योंकि वेरिएबल एक और उस पर हाईएस्ट पावर टू है। मान ले मैंने एक दूसरा एग्जांपल पूछा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, क्या ये क्वाड्रेटिक? बिल्कुल है जी। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने स्टेटमेंट्स बताए गए रिक्वायर्ड कंडीशन में वह सभी सही। क्या क्या बताया गया? आर एच एस जीरो होना चाहिए, ठीक बात है, या इक्वल टू साइन होना चाहिए, बात एक ही, आर एच एस जीरो करें या इक्वल टू साइन। दूसरी कंडीशन वेरिएबल एक होना चाहिए, वो भी है, हाईएस्ट पावर टू होना चाहिए, वो भी, तो ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक है। मान लो मैंने कह दिया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल है जी। मान लो मैंने कह दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू जीरो, क्या ये क्वाड्रेटिक? क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स आ गए, ये क्वाड्रेटिक को डिफाइन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका भी हम सीखे वो आगे के। क्यूबिक इक्वेशन वेरिएबल एक पावर थ्री, फॉर एग्जाम्पल 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, क्या ये क्यूबिक इक्वेशन है? अभी नहीं है। क्यों नहीं है? इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर मैं इक्वल टू का साइन लिखकर कुछ भी लिख दूं, मान लो जीरो ही लिख दिया, ये क्यूबिक हो गया, क्योंकि क्यूबिक की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्या है कंडीशन? वेरिएबल एक हाइएस्ट डिग्री, तो क्यूबिक। ये भी अभी आपके सिलेबस में है, ये भी हमने, आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर ये है लीनियर इक्वेशंस विद टू वन, इस पे थ्री मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन, इलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन इन्हें पढ़ने से पहले कुछ एक और स्टेटमेंट्स ब्रीफ कर दिया जाए, तब हम बैठे। लीनियर इक्वेशंस विद टू अननोन्स, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे जाते हैं लीनियर इक्वेशन के लिए, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि टू अननोन्स हैं तो टू इक्वेशंस होने ही चाहिए। दूसरा हमने बना लिया ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ए वन बी वन सी वन इसमें कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, ए टू बी सी टू भी कांस्टेंट टर्म होता है, और सभी एक्स और वाई वेरिएबल्स माने। इसका एक एग्जांपल मैं लिख दूं, टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो लिखूं, या इसका दूसरा तरीका टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू माइनस फोर लिख दिया। बात एक ही है, तो आर एच एस में अगर जीरो लिखा जाता है तब भी आप उसे लीनियर इक्वेशंस विद टू अननोन्स मान सकते हैं, और अगर आर एच एस में कोई वैल्यू है तो उसे भी मान। ऐसा नहीं सर्च कर लें कि भाई जीरो होना चाहिए तभी है या वैल्यू होना चाहिए तब नहीं है, ऐसी कोई। या अगर मैंने यहां लिख दिया थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, इसे अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं थ्री एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू माइनस। अब इन दोनों एग्जांपल्स में हम पहले देख लेते हैं ए वन बी वन सी वन, ए वन क्या है? ए वन की वैल्यू इस एग्जांपल में टू, बी वन की वैल्यू है थ्री, वन की वैल्यू है फोर। ध्यान दें आर एच एस वाली वैल्यू को माइनस सी वन कर दिया जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, एल एच एस में ये सी वन। जब ये आर एच एस की कोई वैल्यू है तो उसको लेफ्ट साइड में लाने के बाद हम उसकी वैल्यू को डिफाइन। ए टू की वैल्यू क्या है? थ्री। बी टू की वैल्यू है माइनस फोर, विद साइन हमें डिफाइन करना है, और सी टू की वैल्यू माइनस सिक्स, ये माइनस सिक्स, ये भी माइनस, ये प्लस सिक्स, ये प्लस सिक्स आर एच एस में गया तो माइनस सिक्स हो गया, उसी के अकॉर्डिंग चेक कर लें, क्योंकि यहां जो वैल्यू होगी हम उसे सी वन कहेंगे। ध्यान दें अगर आर एच एस में गया तो ये माइनस सी वन या माइनस सी टू। तो ये इक्वेशन को जो लिखने का तरीका है वह
अथवा ये है। इक्वेशंस के और भी बहुत सारे कंडीशंस, बहुत सारे स्टेटमेंट्स किए जाते हैं, लेकिन अभी एक छोटा सा मेथड मैं आपको सब्स्टिट्यूशन बताने। मान लें एक कोई क्वेश्चन दिया गया x प्लस टू वाई, एक्स प्लस थ्री वाई इक्व टू फाइव एंड फोर एक्स माइनस थ्री वाई इक्व टू फाइव। तो इक्वेशन टू अननोन बिल्कुल ठीक है, कैलकुलेशन किया जा सकता है x y की वैल्यू कैसे निकाला जाए। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड हम पहला मेथड पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूट। हम किसी एक वेरिएबल से, एक वेरिएबल एक इक्वेशन से निकाल कर उसे दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर उससे हम पहले वैल्यू को फाइंड करेंगे। फिर पार्ट क्लियर नहीं हुआ, किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को आप निकाल लें, किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर उसे दूसरे इक्वेशन में, यही पहला स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल निकाल लें। अब अगर दोनों इक्वेशंस को हम देखें, चॉइस आपकी है एक्स को निकालें या वाई को निकालें, तो फर्स्ट इक्वेशन से एक्स निकालना कंपैरेटिवली इजी है। तो हमने यहां क्या लिखा, फ्रॉम फर्स्ट एक्स इक्वल्स टू फाइव प्लस थ्री वाई को आरएचएस में ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस थ्री। इससे आपने थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से आपने एक्स की वैल्यू निकाला y के फॉर्म में, उसे आपने थर्ड इक्वेशन, ये भी पॉसिबल है y की वैल्यू निकालें, ये भी पॉसिबल है सेकंड इक्वेशन से निकालें, चॉइस आपकी है। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, आप कुछ भी लिख सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ध्यान से समझिए, फर्स्ट से अगर आपने निकाला है तो सेकंड में पुट करेंगे, सेकंड से निकाला है तो फर्स्ट में पुट। देन अब सेकंड इक्वेशन की वैल्यू देखें, फोर एक्स के जगह पर ये पूरी वैल्यू हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, फाइव माइनस थ्री वाई, माइनस थ्री वाई को एज इट इज इक्वल टू फाइव। इस स्टेप को एक बार फिर देख लें, हमने क्या किया, यहां देखें फोर एक्स है तो फोर एज इट इज एक्स के जगह पर फाइव माइनस थ्री वाई, माइनस थ्री वाई एज इट इज इक्वल टू फाइव। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो यह आ जाएगा ट्वेंटी माइनस थ्री वाई, क्योंकि फोर से आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, ट्वेंटी माइनस ट्वेल्व वाई, फोर से थ्री को भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस थ्री वाई इक्वल टू फाइव, माइनस थ्री वाई माइनस ट्वेल्व वाई माइनस फिफ्टीन वाई, और ट्वेंटी को अगर आर एच एस में आप ले जाएं तो हो जाएगा फाइव माइनस ट्वेंटी, तो माइनस फिफ्टीन वाई इक्वस टू माइनस फिफ्टीन वाई इक्वस टू आ गया वन, फिफ्टीन बाई फिफ्टीन माइनस माइनस कैंसिल। अब आपने वाई की जो वैल्यू निकाला है उसे आप थर्ड में ही पुट करेंगे, ध्यान रख, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थ्री, थर्ड में ही पुट करना है। तो अब आप क्या करेंगे, देन एक्स इक्व टू फाइव माइनस थ्री वाई की वैल्यू वन, मीनिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम पा गए एक्स इक्व टू टू वाई की वैल्यू। तो क्या है सब्स्टिट्यूशन का मेथड, एक बार फिर ब्रीफ कर लेते हैं। जो दो इक्वेशन आपको दिया जाए उसमें किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल और उसे निकालकर दूसरे में पुट कर, पहले से निकाला है तो दूसरे में, दूसरे से निकाला है तो पहले में पुट कर देंगे, उसे आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, उस एक वेरिएबल की वैल्यू आप फिर किसी एक इक्वेशन पुट करेंगे। यहां इस पर्टिकुलर क्वेश्चन एक्स की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकालना कंपनी, क्योंकि एक्स के साथ कॉन्स्टेंट टर्म नहीं था। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं एक्स के साथ कॉन्स्टेंट, तो हमें उसको चेंज करके सिंपलीफाई करके, एक मैं और बता दे रहा हूं और अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जरा देख लें एक और मैं। मान लें क्वेश्चन आपको दिया गया, मैं क्वेश्चन पहले बना लूं,
3x plus 2y equals to 5, 4x minus 3y equals to 1. तो इक्वेशंस वन नॉन वैल्यूज हमसे इसमें x और y की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए, जैसा मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंगली किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल लें, चॉइस आपकी यहाँ फ्री है। मान लो हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला फ्रॉम फर्स्ट और हम x की वैल्यू ही निकालना चाहते, तो x इक्वल टू हो गया 5 माइनस 2y, ये 5 माइनस 2y वैल्यू है 3x की, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस 2y डिवाइडेड बाई, हमेशा ध्यान रखें हम इसे थर्ड इक्वेशन ही मानेंगे, इसे हमने थर्ड इक्वेशन। अब जिस वैल्यू को आपने निकाला है उस वैल्यू को आपको सेकेंड में पुट करना होगा क्योंकि फर्स्ट से आपने निकाला है। सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन टू, देन वी गेट, या वी गेट हटा दें, देन अब जरा देखें सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं 4 x के जगह पर हमने लिख दिया 5 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 1। अगला स्टेप 4 से आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दें तो यह हुआ 20 माइनस 8y होल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 1। एलसीएम अगर आप लेंगे तो 20 माइनस 8y माइनस 9y होल डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्टेप 20 माइनस 8y और 9y दोनों निगेटिव साइन के साथ हैं तो यह हो जाएगा माइनस 17y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा 3, देयरफॉर माइनस 17y इक्वल्स टू 3 माइनस 20 दैट इज माइनस 17 और 17y इक्वल्स टू 17 दोनों निगेटिव साइन के साथ हैं, यह कैंसिल करने के बाद तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 1। हमेशा ध्यान रखें कि y की वैल्यू जब आप निकाल लें इस y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में ही पुट करना है आपको। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, तो x इक्वल्स टू 5 माइनस 2 y के जगह पर आपने पुट कर दिया 1 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 5 माइनस 2 बाई 3 दैट इज 1, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू। सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या है कि तरीके से आप x और y की वैल्यू किसी भी टू अननोन्स के में सब्स्टिट्यूशन मेथड